मुझे गिफ्ट दिया बर्थडे का आज, लेकिन वो क्या दिए हैं वो मैं पहन भी चुकी हूँ। फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोग की दुआ से अल्लाह पाक के रहे होंगे, हमसे हम लोग भी ठीक हैं। और यहाँ पे मैं अपनी पूरी लंच बना चुकी हूँ जो कि है पालक दाल और राइस। अब 12+ हो रहा है और मुझे थोड़ी भूख लग रही थी और शैम को भी लग रही थी, तो उन्होंने कहा चुकंदर काटने के लिए, तो वही मैं काट रही हूँ। और शैम बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहा है, संडे है मगर बच्चे लोगों का एग्जाम था, इसलिए उन्होंने बच्चों को फिर से बुला लिया है शैम ने। और मैं ये शैम को भी दूंगी, फिर खुद धीरे धीरे आराम से बैठ के चबा चबा करके खाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि चबा करके खाएंगे तो वेट हमारा मेंटेन रहेगा और घटेगा भी। और अब यहाँ पे 1:30 बज रहे हैं करीब करीब फ्रेंड्स, और हम लोग बैठ गए हैं लंच पे। तो ये है फ्रेंड्स आज का हमारा लंच, और ये नाइट की बची हुई खिचड़ी है। मुझे फेंकने में बहुत मजा आ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं इसको खा के खत्म कर देती हूँ, और इसे धीरे धीरे खाना है फ्रेंड्स, 32 MCU करके खाना। और आप लोग भी जो भी खाएं धीरे धीरे खाएं, अच्छे से चबा करके खाएं, तो आप जो भी खाएंगे आपका वेट उससे बढ़ेगा नहीं, पेट भी भरेगा, भर पेट खाना भी खाएंगे और वेट भी मेंटेन रहेगा। हम लोग घर से खा पी करके ही अच्छे से निकलेंगे, ताकि हमें बाहर में कुछ ज़्यादा खाना ना पड़े, हल्का फुल्का कुछ लाइट खाएंगे और हम लोग फिर घर आ करके ही नाइट का डिनर करेंगे फ्रेंड्स। तो खाना पीना हमारा हो चुका है फ्रेंड्स, और अब मैं जल्दी से जा रही हूँ रेडी होने, रेडी होकर के हम लोग निकलेंगे। चलिए और यहाँ पे मैं सोची कि आप लोगों को रेडी होती हुई पूरा दिखाऊंगी कि मैं क्या कौन सा फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, क्या क्या करती हूँ, क्योंकि आप लोग के बहुत सारे कमेंट आते हैं फ्रेंड्स कि मैं कौन सा फाउंडेशन लगाती हूँ, अपना मेकअप कैसे करती हूँ, तो आप शेयर करें। तो मैं सोची कि ये अच्छा मौका है, मैं आप लोगों को थोड़े से दिखा देती हूँ, लेकिन वही हुआ ना क्योंकि हम लोग को बहुत लेट हो चुका था फ्रेंड्स, और आज संडे भी है और संडे को तो आपको पता ही है कि हर लोग ज़्यादातर बाहर घूमने के लिए निकलते हैं, तो मार्केट में भी बहुत भीड़ रहेगा और ट्रैफिक भी बहुत रहेगी। तो इस वजह से जो है ना, मुझे शाम ने कहा कि तुम जल्दी रेडी हो, शूट करने में लगोगी तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, तो मुझे भी ये लगा। और यहाँ पे ये देखिए घड़ी मुझसे नहीं लग रही थी तो शाम पहना रहे थे, ऐसे में जब भी पहनती हूँ तो अक्सर शाम ही मुझे पहना देते हैं घड़ी, तो वही बता रही थी, तो इसलिए मैं ना शूट नहीं कर पाई। नहीं तो मेरा बहुत मन था कि मैं आप लोगों से दिखाऊं, क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट करते हो दी आप कौन सा फाउंडेशन लगाते हो, कौन सी क्रीम लगाते हो, इसलिए मुझे दिखाना था। और यहाँ हम लोग निकल चुके हैं, ये हावड़ा ब्रिज का मैंने थोड़ा सा शॉट ले लिया था, हम दोनों बस से जा रहे थे फ्रेंड्स, और बस पर सबसे पिछली सीट पर बैठे थे, और हम पहुँच चुके थे ये हम लोग ज्वेलरी शॉप पर। और यहाँ पर मैं अपना ब्रासलेट देख रही थी फ्रेंड्स, और यहाँ फाइनली मुझे एक पसंद आया, मतलब मुझे तो पसंद आया ही, लेकिन सबसे पहले शैम को पसंद आया और उनके ही पसंद से हमने लिया, क्योंकि गिफ्ट वो दे रहे थे तो पसंद उनकी होनी चाहिए ना। और उसके बाद हम लोग गुजर रहे थे मार्केट में ही, क्रॉस कर रहे थे, मार्केट जा ही रहे थे, तो यहाँ पे जैकेट वगैरह हुडी वगैरह मिल रही थी, तो शैम देखने लगी। और यहाँ पे अब हम लोग श्री राम मॉल में आ गए थे, लेना तो कुछ नहीं था फ्रेंड्स, बस ऐसे ही मुझे मेरा मन था तो इसलिए मैंने शाम को कहा, तो वो ले गए थे अंदर। और क्रिसमस की तैयारियाँ मतलब हर तरफ जोरों शोरों से शुरू है, उसका मतलब ये शुरू हो चुका है यहाँ, तो कितना अच्छा लग रहा है ना ये कि... नगमा क्या चाहिए क्या चाहिए? यहाँ पर जितना सामान है सबको बोले ही लेंगे, उसके लिए तो बहुत पैसा बना। तो नगमा फिर से आ गई है रिंग के दुकान पे, देखिए जहाँ लास्ट टाइम थी कंफ्यूज बनी हुई है। महरून है ना, मेरे पास डिलीट हो गया है। पे क्लिप की शॉप थी तो मैं उस पर रुक गई थी, मेरा क्लेचर टूट चुका था फ्रेंड्स, जो एक ही था, तो मैंने सोची कि एक दो ले ले रही हूँ क्योंकि मुझे जरूरत पड़ती है इसकी। कैसा लग रहा है मंडी मार्केट की भीड़ में? बहुत मजे। देखिए फूड स्ट्रीट ऑफ न्यू मार्केट,
पता नहीं आवाज़ क्लियर आ रहा कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजों के टाइम वाला कल्चर अभी भी यहाँ देखिए, घोड़े पे बैठ के पुलिस ने अभी भी यहाँ सवारी करते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये पकौड़े वाले थे, गर्मा गर्म फ्राई कर रहे थे, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि शाम का भी मन कर गया खाने का और मेरा भी। और हमने तो आपको बताया ही था कि हमने खाना पीना खा करके अच्छे से घर से निकला और खाना बना करके भी निकली, तो इसलिए मैं ना ज़्यादा मतलब हम लोग बाहर का हेवी कुछ नहीं खाएंगे, ऐसी लाइट कुछ हल्का फुल्का खाएंगे और फिर चले आएंगे वापस, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ लेना था। और यहाँ पे ये देखिए 20 रुपए का हम लोगों को मिला है इतना। और उसके बाद फिर हम लोगों ने मिल के आइसक्रीम खाई, शायद मुझे ना मेरा फेवरेट चोको फिस्ट आइसक्रीम दिलाई, हम दोनों ने एक ही आइसक्रीम में से हम दोनों ने शेयर किया और हमने कुछ भी नहीं खाया। और हम लोग आ जाएंगे तो घर। मैं अभी जस्ट घर आई हूँ फ्रेंड्स, और मैं फ्रेश होकर के बस आप लोगों से मिल रही हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करके। और शाम को के फ्रेंड्स का फ़ोन आया तो वो ज़रूरी काम से तो वो नीचे चले गए, और मैं अभी अकेली हूँ। मुझे मैं ना पता है फ्रेंड्स, स्वेटर पहन के नहीं गई थी, और शाम ने कहा था कि बैग में तुम स्वेटर रख लेना क्योंकि आते वक्त ना ठंडी लगेगी, तो मैं रखना भूल गई। और उस चक्कर में क्या हुआ, इतनी ठंडी लग रही थी आने में, इतनी ठंडी लग रही थी, मैं क्या ही बताऊँ। अब मेरा पूरा बॉडी ऐसा ही कांप रहा है। और शैम ने मुझे गिफ्ट दिया बर्थडे का आज, लेकिन वो क्या दिए हैं वो मैं पहन भी चुकी, उन्होंने पहना भी मुझे दिया, बट वो आ रहे हैं तब मैं आप लोगों को उनके साथ ही मिल करके दिखाऊँगी। और जब तक शैम नहीं आ रहे हैं तब तक मैं ब्लैंकेट डाल के थोड़ा लेटती हूँ, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करती हूँ, क्योंकि ठंडी बहुत लग रही थी फ्रेंड्स रास्ते में, इस वजह से मुझे मतलब कपकपी सी फील हो रही है। मेरा मन कर रहा है कि चुपचाप कुछ ना करूं और अभी सो जाऊं, मगर सोने से तो होगा नहीं, तो मैं सोच रही हूं कि थोड़ा सा मैं आराम करूं। और आप लोगों के कमेंट पता नहीं क्या क्या आए हैं, मैं कुछ भी नहीं देख पाई हूं, क्योंकि मॉर्निंग में जो मैं रिप्लाई करके मतलब दोपहर तक निकली थी वही था, और वहाँ से आने के मतलब वहाँ जाने के बाद तो और टाइम मिला नहीं फ़ोन वगैरह मतलब कमेंट वगैरह चेक करने का। तो मैं आप लोगों के कमेंट का अब रिप्लाई करूँगी। तो एक कमेंट आया है फ्रेंड्स, ऐसे तो बहुत सारे कमेंट आप लोग जो करते हैं मुझे हमेशा वो करते हैं, एक न्यू कमेंट आया है जो कि है मुबशरा इफ़त का। उन्होंने लिखा है कि वो इंडिया से हैं और उन्होंने मुझे और सैम को बहुत सारी दुआएं दी है, उनको हम दोनों को साथ में देखना बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू माई डियर, और बहुत सारा प्यार दे, बहुत सारा सपोर्ट दे फ्रेंड्स और फैमिली में, हमारे चैनल को शेयर भी करें, और थैंक यू मुझे ऐसे ही हमेशा अच्छे अच्छे कमेंट करती रहें। तो शैम अभी आ चुके हैं और बहुत लेट हो रहा है, और मुझे देखिए मेरी नींद से हालत ख़राब है, मगर मैं इनके इंतज़ार में रुकी हुई थी क्योंकि मैंने कहा था आप लोगों से कि जब शैम आएंगे तब मैं आप लोगों को अपना जो शैम गिफ्ट दिया मुझे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। दिखा दो, ये ब्रेसलेट ली है हमने, ब्रेसलेट ब्रेसलेट, अच्छा ठीक है, ब्रेसलेट ये ऐसे सिल्वर का है, हाँ स्टोन है नीचे। और ये आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये इनके ही पसंद की है और मुझे भी बहुत पसंद आई, और ये इस टाइप से इसका पैटर्न आ रहा है, और ये रिंग भी, रिंग दिखाओ, और उसी से मैच करके सेट करके इन्होंने ये तो बाहर मतलब स्ट्रीट से लिए है ना हम लोग, ये है स्टोन की रिंग, ये 100 रुपए की है ना, ये 100 रुपए की पड़ी। और फिर और क्या दिखाओ, दिखाओ। और ये हमने 2 क्लेचर लिए हैं, मेरा क्लेचर टूट गया था तो हमने जब तक घर में यूज़ करने के लिए लिए, तो ये सब मैं हम लोगों ने लाया है। और आज लेट हो गया क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा था जो मैं देख के आया हूँ, इसलिए लेट हो गया, नगमा वेट कर रही थी हमारा बहुत देर से, उस चक्कर में मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, इनके इंतजार के चक्कर में कि आएंगे तो ब्लॉग करूँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी, और इनका पॉकेट मैंने ढीला कराया तो बहुत मुझे खुशी है, मुझे बहुत टाइम से मन था ब्रेसलेट पहनने का, और इन्होंने बहुत टाइम से प्रॉमिस भी करके रखे हुए थे, बार बार कैंसिल होता था, इस पर इन्होंने दिला दिया मुझे, और वो भी इनकी ही पसंद है बट मुझे भी बहुत पसंद आई। और इत्तेफाक से मतलब हम लोग का जितना एक ये इनका ये था कि इतना के अंदर का में आ जाए तो उतना ही के अंदर में हमारा मन पसंद आ चुका है ये ब्रेसलेट। तो बस ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा हमेशा की तरह, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आज थोड़ा ठंडा से बाहर से जो है ना ठंड की वजह से थोड़ा सर दर्द वगैरह भी हो रहा है, और मुझे भी अपना ब्लॉग का एडिट करना है, इसलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड।